हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर होने वाली है और टॉपिक ये है रीडिंग का कि इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको क्या शो कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, मतलब जो फीलिंग्स या जो चीज़ें वो आपको शो कर रहे हैं वो क्या है और वो एग्जैक्टली एक्चुअल में फील क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? सो व्हाट दे शो वर्सेस व्हाट दे रियली फील, ये रीडिंग होने वाली है। ध्यान रखना है, लेकिन ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट कर सकते हो। और जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आज के वीडियो में दो लोग जो मैंने, दो कमेंट्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं उसकी रीडिंग मैं करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की रीडिंग करूँगी, एकदम शॉर्ट में मैं आंसर देने वाली हूँ, ठीक है? तो मैंने रैंडमली दो लोगों को सिलेक्ट किया है, दो लोगों के कमेंट्स को सिलेक्ट किया है जिन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके क्वेश्चन पूछा है और जिन्होंने वीडियो को लाइक भी किया है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मैं आपका कमेंट नहीं लेने वाली हूँ। तो आपको लाइक भी करना है वीडियो को, किसी एक पर्सन को वीडियो शेयर भी करना है, किसी ग्रुप में भी कर सकते हो, किसी एक पर्सन से आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और मैं आपके सवाल का जवाब देने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, ये एक रैंडम, जैसे मैं जैसे होता है ना लकी ड्रॉ टाइप, वैसे मैं रोज़ दो कमेंट्स को चूज़ करके उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। रोज़ देखो, मैं रोज़ बोल रही हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रोज़ दे पाऊँ, कभी कुछ इमरजेंसी है, किसी इशू में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ या जल्दबाजी में हूँ, भूल गई तो नेक्स्ट डे मैं उनके सवाल के जवाब दूँगी, ठीक है? तो आज भी आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल दे सकते हो। और कई सारे लोगों ने क्या किया है ना, मेरे क्रिस्टल इंक्वायरी वाला जो नंबर है वहाँ पे मैसेजेस किए हैं, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग के नंबर पे भी सवाल भेजे हैं। तो देखो, जो लोग सिर्फ कमेंट सेक्शन में भेज रहे हैं ना सवाल, मैं उन्हीं के पिक करने वाली हूँ। जो लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके सवाल भेज रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चंस को नहीं पिक कर सकती हूँ, ठीक है? तो कमेंट्स, ये क्राइटेरिया ही है कि आपको कमेंट करना है। कमेंट में अगर आपका सवाल मिलेगा मुझे और प्रॉपरली आपने फॉर्मेट को फॉलो किया होगा, आपने वीडियो को लाइक किया होगा, किसी एक पर्सन से वीडियो को शेयर करना है आपको, तो मैं आपका कमेंट पिक करूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे एनालिटिक्स होते हैं, सब कुछ पता चल जाता है किसने किया है किसने नहीं किया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, फॉर्मेट को प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे, किसी एक से वीडियो शेयर नहीं करोगे, ये मैंने कल नहीं बताया था वीडियो शेयर करने का, तो कल के लिए एक्सेप्शन है। आज से मैं बता रही हूँ कि आपको वीडियो को शेयर भी करना है, किसी एक पर्सन से या किसी एक ग्रुप में भी कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, जहाँ करना है आपको करो, ठीक है? लेकिन किसी एक से आपको शेयर ज़रूर करना है, एक शेयर आपकी तरफ से जाना चाहिए, तो मैं आपका कमेंट पिक करूँगी, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं उन दो सवालों के जवाब दूंगी जो लकी है आज का, जिसका मैंने पिक किया है सवाल, उनका मैं जवाब दूंगी, ठीक है? तो चलो अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या शो कर रहे हैं वर्सेस वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कैंडल को लाइट कर देती हूँ। शुरू हम इस रीडिंग से करेंगे कि वो शो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे शोइंग। तो पहले तो आपको अपने पर्सन का नाम 3 बार लेना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है या आपके जो सवाल है उनके जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए, ठीक है? चलो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या शो कर रहे हैं वर्सेस वो क्या फील कर रहे हैं। अरे यार, ओके, चलो लेट्स सी व्हाट आर दे शोइंग वर्सेस व्हाट आर दे फीलिंग। ओके, सबसे पहले तो ना आपके पर्सन ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि वो आपके बिना बहुत खुश है, वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं
उन्हें आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. दे आर हैप्पी, दे आर डूइंग अबाउट देयर नो, दे आर गोइंग अबाउट देयर डेज, बहुत खुश है, ऐसा ही आपको दिखा रहे हैं. ठीक है, जैसे होता है ना कि फ्री हो गया मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यू नो आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू. ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है. ये ऐसा भी दिखा रहे होंगे आपको जैसे दूर रहो मुझसे, डोंट ट्राई टू टॉक टू मी, यू नो एक दीवार जैसे बना ली है आप दोनों के बीच में, बहुत रूड या बहुत ही क्लोज्ड ऑफ, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, बहुत ही कोल्ड वाइब दे रहे होंगे आपको. ठीक है, जैसे पता नहीं आपने क्या इनका, क्या पता कौन सा आपने कौन सा घोड़ा लेकर आप इनका भागे हो, पता नहीं इनका, इनको लिटरली ऐसा, मतलब ये ऐसा शो कर रहे जैसे पता नहीं आपने क्या क्या कर दिया इनका, क्या सोना चांदी लेकर आप भाग गए. बहुत गुस्से में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं बेसिकली. दे आर शोइंग एज इफ दे आर एंग्री, दे आर, दे हैव देयर बाउंड्रीज अप. ठीक है, वो ऐसा भी शो कर रहे होंगे जैसे मेरी लाइफ तुम्हारे बिना बहुत अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, या मैं लाइफ में मूव ऑन कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. कहीं ना कहीं तुम नहीं हो तो भी मेरी लाइफ कितनी खुशनुमा है, कितनी हैप्पी है, कितने अच्छे चेंजेस मेरे लाइफ में आ रहे हैं, ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं. ठीक है, कि जैसे पता नहीं लकी हो गया उनको आपका छोड़ जाना या आपसे दूर होना, उनके लिए बहुत लकी है. वो ऐसा भी शो कर रहे हैं कि थिंग्स आर बैलेंस्ड, काफ़ी चीज़ें ठीक चल रही है, काफ़ी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है. उन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस में ला कर लिया है, यू नो उन्होंने अपनी लाइफ को जैसे सेटल कर लिया है आपके बिना, एंड दे आर डूइंग वेल, ऐसा ही आपको शो कर रहे हैं. ओके, अब उनके लाइफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत क्लैरिटी है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत पॉजिटिविटी है, ऐसा आपको दिखा रहे हैं कि अब मैं तुम्हें लेकर कन्फ्यूज नहीं हूँ, यू नो मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, मैं तुमसे आज दूर हूँ एंड आई एम नॉट कन्फ्यूज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने ना होने से, तुमसे बात ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो ये आपको ऐसा गुमराह कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये अपने आप को भी गुमराह कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये सच नहीं है, उनके अंदर बहुत गुस्सा है, उनके अंदर बहुत रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहे. ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट मची हुई है आपके बिना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, लेकिन कितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना वो आपको दिखा नहीं रहे. ठीक है, हो सकता है ये किसी और से बात कर रहे हो, कोई और दोस्त बना लिया, किसी और से क्लोजनेस बढ़ा ली. जो लोग यू नो जैसे जो होते हैं ना कि गुलाब या किसी फूल के पास जैसे मधुमक्खियाँ बंडराती है, वैसे आपके पर्सन के आसपास जो मधुमक्खियाँ थी ये उनको भाव दे रहे हैं. ठीक है, क्यों? आपको जेलस फील कराने के लिए, आपके मन में गुस्सा पैदा करने के लिए. ठीक है, हो सकता है कि जो आप इनसे उम्मीदें लगा रहे थे, एक्सपेक्टेशंस जो थी आपकी इनसे कि तुम मेरे साथ ये ऐसे रहो, तुम मेरे से ऐसे बिहेव करो, ये सब वो किसी और के साथ कर रहे हैं. मतलब आपके हिस्से का जो भी आपको देना चाहिए था वो किसी और को दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन मैं जानती हूँ. उसके पीछे का इंटेंशन ये है कि आपको जलाना है, आपको ऐसा फील कराना है कि तुमने क्या मिस आउट कर दिया, यू नो तुमने मुझे खो दिया, इस तरह की वो एक आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करना चाहते हैं. ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे होंगे कि मैं तुम्हें स्टॉक भी नहीं कर रहा, मैं तुम्हें स्पाई भी नहीं कर रहा, मेरा तो ध्यान भी नहीं है तुम पे, आई एम नॉट, यू नो मेरा ध्यान नहीं है तुम पे, लेकिन इनका पूरा पूरा ध्यान है. मैं आपको बता दूँ, ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें देख भी नहीं रहा, मेरा तो तुम पे ध्यान भी नहीं है, मेरा, मेरे पास तो तुम्हारा नंबर भी नहीं है, लेकिन इस पर्सन का पूरा ध्यान है आप पे, बता दूँ मैं आपको. ये ऐसे भी दिखाते होंगे आपको जैसे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो चैन से सो रहा हूँ, मुझे तो किसी बात की टेंशन नहीं है, मुझे तो स्ट्रेस नहीं हो रहा है, मुझे तो दिक्कत नहीं आ रही है किसी चीज़ की, लेकिन इस पर्सन को बहुत दिक्कत हो रही है, ये बहुत रेस्टलेस है, बहुत परेशान है. आपको ये जो भी दिखा रहे हैं ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं खुश हूँ, ये मुझे तो रात की नींद, बहुत चैन की नींद आती है, या मैं बहुत ओके हूँ, ऐसा नहीं है रात को सिर पकड़ कर बैठते हैं, रात को रोते हैं, रात को परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन फील करते हैं. इनको भी डर लग रहा है, ये इनको बहुत डर लग रहा है आपको फ़ेस करने से. किस मुँह से फ़ेस करेंगे, कैसे फ़ेस करेंगे आपको, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है. बहुत ज़्यादा डरे हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन.
फीलिंग्स बहुत है इस पर्सन के अंदर, लेकिन सारी दबा के रखना चाहते हैं, अपने तक ही रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, शो नहीं करना चाहते आपके सामने अपनी फीलिंग्स। मुझे लगता है अपने आसपास के लोगों को एंटरटेन कर रहा है बहुत ज्यादा। ये ऐसा भी दिखा रहे हैं आपको कि तुम्हारे मेरे लाइफ में ना होने की वजह से मेरी लाइफ कितनी सुकून की है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से, कोई मेरे अगेंस्ट नहीं है, मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सच मेरे लाइफ में, मेरे अंदर तुम्हें लेकर कोई इमोशंस नहीं है। मतलब ये ऐसा शो कर रहे हैं आपको कि मेरे अंदर तुझे लेकर कोई भी इमोशंस नहीं है। ओके, मुझे तेरे प्यार की क्या, मुझे तेरी याद भी नहीं आती है, तूने मेरे लिए जो भी किया उसकी भी याद नहीं आती है मुझे, मुझे कोई वैल्यू नहीं है तेरे इमोशंस की, मुझे कोई लेना देना नहीं रखना है तुझसे, ये वाली माइंडसेट है। ये दिखावा कर रहा है आपको कि मुझे कोई लेना देना नहीं है तुझसे, मुझे कोई लेना देना नहीं रखना है, ठीक है। काम के लिए भी बात नहीं करनी है, मुझे किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखना है, मुझे कंट्रोल नहीं करना है, मुझे चीज़ों को ठीक नहीं करना है, मुझे एफर्ट्स नहीं डालने हैं, कर सकता हूँ लेकिन करना नहीं है। ये ऐसा भी दिखावा कर रहा है आपको कि हो सकता है कि मैं एफर्ट्स डाल सकता हूँ लेकिन मुझे डालने नहीं है, ये मेरी चॉइस है, ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। चीज़ों को मैं ठीक कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ लेकिन मुझे करनी नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी शो कर रहा है कि भगवान की मर्जी चाहे जो हो, लेकिन मेरी मर्जी ये है कि मैंने ये डिसीजन ले लिया और मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, तुमसे बात नहीं करनी है, तुमसे कनेक्ट नहीं करना है, ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। एकदम लो प्रोफाइल भी हो चुके हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपको कहीं दिखाई ही ना दे, इनका कोई अता पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं इनके लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेट कर लिया है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन ये ना जानबूझ के वक्त लेकर आपको तरसाना चाहते हैं, तड़पाना चाहते हैं, ये जानबूझ के आपसे दूर रह रहे और जानबूझ के ये आपको तड़पाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ तक ये मैं देख रही हूँ। लेकिन अगर ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं आना ही नहीं चाहता वापस, तो ये झूठ है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे फिर से आपके पास आएंगे, कनेक्ट करेंगे। सो ये चीज़ तो होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर पास में इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज थे या इनको जेलसी होती थी तो अभी भी होती है, लेकिन ये आपको शो नहीं कर रहे हैं। इनको डर लगता था आपको खोने का, वो डर अभी भी है। ओके, इनके मन में अगर आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहते। इनको पता है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, इनको पता है कि 10 लोग लाइन में खड़े हैं आपको पाने के लिए, आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने प्यारे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ को मानना नहीं चाहते। दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप कितने ब्यूटीफुल हो। वो जानते हैं कि आप परफेक्ट हो, आपसे बेटर तो कोई हो भी नहीं सकता, उनको बहुत अच्छे से पता है। सच नहीं बोलना चाहते, अपने ट्रुथ को नहीं आपके सामने आने देना चाहते, या अपनी ट्रुथ को जो भी फील करते हैं ना सच में उसको हिडन रखना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऑफर नहीं करना चाहते हैं, ऐसा भी शो कर रहे हैं आपको कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे कोई ऑफर नहीं रखनी है तुम्हारे सामने, मुझे कोई शुरुआत नहीं करनी है तुम्हारे साथ। कहीं ना कहीं ऐसा भी शो कर रहे हैं आपको कि मेरी लाइफ कहीं रुकी नहीं है तुम्हारे बिना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बहुत फास्ट और कोई लेना देना नहीं है, कोई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने ना होने से, मेरी लाइफ आगे जा रही है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मेरी लाइफ आगे बढ़ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करके भी बैठे होंगे, ये दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए कि देखो मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है, मुझे तो तुम्हारे से बात भी नहीं करनी है, मुझे तो तुमसे कोई वास्ता भी नहीं रखना है, लेकिन चुप चुप कर फिर स्टॉक आपको ही कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनको चेज करो, आपके मन में प्यार पैदा हो, आप इनको चेज करो, आप इनको मनाओ, आप इनके पीछे भागो, ये इनकी इच्छा है। हिम्मत कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की ना हिम्मत जवाब दे रही है। ये जितना शेर बन रहे हैं ना, जितना आपके सामने ऐसे बन रहे हैं ना कि भाई सब कुछ सेट है, मैं बहुत खुश हूँ, आई डोंट नीड यू, आई डोंट लव यू, ये वो फलाना ढिमका, उतने ही ये पर्सन वीक पड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ।
ऑब्सेशन इनकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है आपके लिए, लेकिन दिखा नहीं रहे. कितने डीप पर्सन है, देखो इतनी ऑब्सेशन है, इतना प्यार है, इतनी अट्रैक्शन है, इतनी ज़्यादा वीक पड़ रहे हैं आपके बिना, फिर भी दिखाना नहीं चाहते, आपको शो नहीं करना चाहते. ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मुझे, मतलब अगर आप भी ट्राई कर रहे होंगे ना इनसे बात करने के लिए कि चलो यार पास्ट को छोड़ देते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, तो आपको ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे होंगे जैसे कि मुझे तो काम करना ही नहीं है भाई, इस रिश्ते से मुझे कोई लेना देना ही नहीं रखना है, मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं रखना है, मुझे करना ही नहीं है तो चीज़ों को ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है. लेकिन रियलिटी क्या है, रो रहे हैं, डिप्रेस्ड है, परेशान है, सोच आपके बारे में रहे हैं, जैसे खुद को ही कहीं ना कहीं फूल कर रहे हैं, खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं. ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन अपने आप को बिजी रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब हो रही है इस पर्सन की. इट इज़ नॉट हैपनिंग, ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को बिजी नहीं रख पा रहे हैं. देखिए इनको पता है आपकी कोई बिगड़ने नहीं वाली है इनके बिना, यू नो दे नो दैट, फिर भी ये आपको एटीट्यूड शो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों. ये ऐसा भी शो कर रहे होंगे, मैं तो अब तुमसे प्यार भी नहीं करता, मुझे तुम्हें अभी चेज़ भी नहीं करना, मुझे तुम्हें इंटरेस्टेड भी नहीं है, दूर रहो मुझसे, बात नहीं करने की ज़रूरत है, कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो मेरी वैल्यू तुमसे कहीं बढ़कर है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड यू, आई डोंट लव यू. लेकिन इनके मेंटल स्थिति पे असर पड़ रहा है, इनके फिजिकल स्टेट पे असर पड़ रहा है, ये खुश नहीं है बेसिकली, दे आर वेरी अनहैप्पी, दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी डिप्रेस्ड. ये पर्सन इतने रेस्टलेस हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है उस चीज़ की. ये कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी खुश हो रहे हैं, पता नहीं इनके साथ क्या क्या हो रहा है. सो ये पर्सन बेसिकली आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन ये शो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन जो शो कर रहे हैं वो तो ठीक है हमने देख लिया, लेकिन रियल में वो फील क्या कर रहे हैं वो देखते हैं अभी हम. ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन दो लकी लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स दे देते हैं जिनको मैंने रैंडमली पिक किया है, ना उनका मुझसे कोई लेना देना है, ना मेरा उनसे कोई लेना देना है, वो बस मेरे सब्सक्राइबर्स हैं प्यारे प्यारे. और आई होप कि उन्होंने वीडियो को लाइक किया था, उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट में, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था, बाकियों ने भी किया है, आपका भी नंबर आएगा, आप करते रहिए कमेंट्स, कभी ना कभी डेफिनेटली आपका भी नंबर आएगा. तो चलो उनके क्वेश्चन को पहले मैं आंसर दे देती हूँ. तो सबसे पहले मैं सवाल ले रही हूँ ट्विंकल का, उसका नाम है ट्विंकल, उनके पार्टनर का नाम अतुल है, और उनका सवाल ये है कि वो अपोलोजाइज कब करेगा जो भी उसने मेरे साथ किया है. तो चलो ट्विंकल आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ मैं आपको. ट्विंकल और अतुल, देखिए क्या है ना, आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे हैं. कहीं ना कहीं वो अपनी गलती मानना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को, अगर आप सिर्फ चीज़ें उन पे डाल दोगे कि वो खुद ही आएंगे, खुद ही माफ़ी मांगेंगे, मुझे कुछ करना नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. क्योंकि इस पर्सन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो उनको वो खुद गलत नहीं लग रहे हैं, तो जिस इंसान को वो खुद गलत लग ही नहीं रहा है वो अपोलोजाइज़ कैसे करेगा. तो आपको भी कुछ कदम उनकी तरफ बढ़ाने पड़ेंगे, उनको फिर कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना ही पड़ेगा अपनी तरफ से. लेकिन मुझे नहीं लगता अपॉलॉजी मिलेगी उस तरह की जिस तरह की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू नो इनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि मुझे जितना करना था मैंने कर दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता. ठीक है, तो थोड़ा सा अपॉलॉजी के चांसेस कम है, लेकिन कम्युनिकेशन होने के चांसेस है. ठीक है, लेकिन आपको भी कुछ कदम तब चलना पड़ेगा, तब कुछ कदम वो आपकी तरफ चलेंगे. अब रही बात कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन कब होगा, मुझे मई मंथ दिख रहा है. ठीक है, जो आने वाला मई मंथ है, मई 2024, इसमें मुझे आप दोनों के बीच रिकन्सिलेशन, नो कॉन्टैक्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चांसेस कम है कि ये अपोलोजाइज करे. और स्पेशली अगर आप उन पर चीज़ें डाल देते हो तो और ही कम चांसेस दिख रहे हैं मुझे. ठीक है, लेकिन मई मंथ तक चीज़ें ठीक हो जाएगी आप दोनों के बीच में. एंड थैंक यू कमेंट करने के लिए. ओके, तो हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं नेहा का. नेहा परवीन ने क्वेश्चन पूछा है, उनके पार्टनर का नाम सैयद अकरम अली है. उनका क्वेश्चन है अकरम कब तक आएंगे उनके पास. चल देखते हैं कि नेहा और सैयद अकरम अली का रीयूनियन कब तक होगा.
ओके, सबसे पहले तो मुझे लगता है आप बहुत इमोशनल हो रहे हो इस पर्सन को लेकर, और आप बहुत इमोशनल हो भी इस पर्सन को लेकर, और ये पर्सन भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको सबसे पहले तो इन पर बहुत आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो ये सही नहीं कर रहे हैं. हो सकता है ये आपको चीट कर रहे हो सकता है इनका इंटेंशन वो नहीं है जो आप समझ कर इनके साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल हो. तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाए. सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा सा आंखें खोल के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है क्लियरली. मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रीयूनियन की अगर हम बात करें या वापस कब आएंगे आपके लाइफ में उसकी बात करें, तो मुझे लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, अगस्त तक ना चीज़ें इतनी ठीक नहीं होने वाली है. मैं ऐसा नहीं बोल रही वो अगस्त तक आपके लाइफ में ही नहीं आएंगे, वो आ सकते हैं लेकिन सही इंटेंशन से नहीं आएंगे. हो सकता है वो आपको चीट कर रहे हो, डबल डेट कर रहे हो, और साथ ही साथ यू नो आपके लाइफ में आ भी जाए और आपके साथ टाइम पास करे, या क्योंकि मुझे उनका इंटेंशन सच्चा प्यार वाला नहीं दिख रहा है. मुझे टाइम पास वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है, चीटिंग वाला एनर्जी मुझे इनका ज़्यादा लग रहा है. और कुछ ज़्यादा देने के एक्सपेक्टेशंस मत रखो. अगर आप सोच रहे हो ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा या मेरे लिए कुछ आउट ऑफ बॉक्स जाके करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है. बट अगस्त तक चीज़ें इतनी खास नहीं रहेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है. आप रोज क्वार्ट्ज़ पहन सकते हो, इससे चीज़ें काफ़ी सुधरती है, इम्प्रूवमेंट होती है रिलेशनशिप में. सो या, थैंक यू फॉर द कमेंट. सो हेलो, चलो देखते हैं आपके पर्सन रियल में फील क्या कर रहे हैं. हमने ये तो देख लिया कि वो शो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो फील क्या कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं. उनका नाम लीजिए 3 बार और डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए. चलो लेट्स सी. कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनको आपके लाइफ में फ़िलहाल एक्सेस नहीं है, बट वो ये भूल गए हैं कि ये एक्सेस उन्होंने खुद बंद कर दिया, ठीक है. ये दरवाज़ा जो एक वॉल जो बिल्ड हो गई है ना आप दोनों के बीच में, ये उन्होंने खुद बिल्ड करी है. इस चीज़ को उन्हें समझना होगा. सबसे पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका माइंडसेट जानना चाहते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो उनके लिए. ओके, मुझे अभी भी लगता है ये पर्सन जितना दिखा रहे आपको उससे ज़्यादा ये पर्सन बहुत ज़्यादा, बहुत गुना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे. ये शादी तक का सोचते हैं आपके साथ. दे वॉन्ट टू मैरी यू. ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है. ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे कि ऑलरेडी आप मैरिड हो और इनको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इस रिलेशनशिप में. आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, लेकिन ये सेपरेशन इस पर्सन को बहुत अफेक्ट करता है. इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस सेपरेशन से, इस कनेक्शन से अभी भी उनको अफेक्ट होता है. तो आपको अगर ऐसा लग रहा है इस पर्सन को किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यू आर टोटली रॉन्ग. ये पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है, इनको बहुत दुख होता है. मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन चीज़ों का ब्लेम आप पे कई मायनों तक, मतलब कई ज़्यादा मुझे लगता है ये पर्सन चीज़ों का ब्लेम आप पे डाल रहे हैं. ये हो सकता है इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपको लेकर, या इनको लगता है कि आप झूठे हो, आप रिश्ते को निभाने का आपका कोई इंटेंशन नहीं था, या यू नो दिखावा किया आपने प्यार का, कुछ ऐसा फील करते हैं ये पर्सन. इनका पूरा ध्यान आप पे है. मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन पास्ट के अपने डिसीजंस को रीथिंक कर रहे हैं. जो भी डिसीजन इन्होंने आपके साथ लिए हैं उसको रीथिंक कर रहे हैं. गाइस ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका हर एक रिएक्शन एक्शन इनको बहुत अफेक्ट करता है. ओके, आपका बोलना भी इनको अफेक्ट करता है, आपका ना बोलना भी इस पर्सन को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है. ये बहुत सैड है आपके बिना, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत सैड है, बहुत जब भी पास्ट के बारे में सोचते हैं, अपने डिसीजंस के बारे में सोचते हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं. जब रियलिटी देखते हैं कि आज आप दोनों साथ नहीं हो, अलग हो, दूर हो, तो रियलिटी इनको बहुत हिट करती है, बहुत सैड करती है. कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते, वो प्यार आप दोनों के बीच में नहीं रहा है, वो एक जो कनेक्शन था आप दोनों के बीच में वो नहीं रहा है, वो उसको बहुत मिस करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, वही प्यार वापस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू गेट बैक विथ यू, दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस कनेक्शन विथ यू, ठीक है. कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को आपको हील करना चाहते हैं, वो एक इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में. दे वॉन्ट टू यू नो ब्रिंग अ चेंज, अ पॉजिटिव चेंज. ओके, इस रिश्ते में वो एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं.
देखिए, ये खुद नाराज़ होकर बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप डबल नाराज़ हो और आपका हक भी बनता है नाराज़ होने का। उन्होंने आपको ये मौका दिया है कि आप इतने नाराज़ उनसे रहो, तो आपको ये पर्सन डेफिनेटली आपसे डर रहे हैं, आपके एनर्जी से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, आपको फेस करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनको लगता आप बहुत ईगोइस्टिक हो गए हो, आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली है, आप इजीली अप्रोचेबल नहीं रहे। ठीक है, आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, या इनको बहुत आपकी एनर्जी मैच्योर्ड लग रही है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो वाई, बट पास्ट में इनको ऐसा फील होता था आप बहुत रूड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा यू नो रूडली पेश आते हो, बहुत रूड बिहेवियर होता है आपका, जो इनको पसंद नहीं आता। आपकी कही हुई चीज़ें इनको पसंद नहीं आती, आपने जो बिहेव किया है वो पसंद नहीं आता। जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लेने लगते हो, इस पर्सन के पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, इनको ऐसा भी लगता है कि आपके एटीट्यूड के वजह से, या आपके ईगो के वजह से, या आपके गुस्से के वजह से, बाउंड्रीज सेट करने की वजह से ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। ओके, उनको ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, उनको आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना है। भले ही आपको दिखा रहे हो ऐसे ख़त्म करना है, लेकिन लेट मी टेल यू दिस, इनको ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना है। उनको ये रिश्ता चाहिए, उनको आगे बढ़ाना है इस कनेक्शन को, उनको यू नो दे वॉन्ट यू टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि अब आप उनके लिए कोई एफर्ट्स तो नहीं डाल रहे हो, लेकिन आप उनको स्पाई भी नहीं करते, आप उनको स्टॉक भी नहीं करते, आपका ध्यान भी नहीं है उन पर। दे थिंक दैट, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपका कोई ध्यान ही नहीं है उन पे, कोई अटेंशन नहीं है। ओके, वो चाहते हैं आपका अटेंशन पाना, ये उनकी रियल फीलिंग्स है, ये वो सच में फील करते हैं। उनको पता है कि डैमेज बहुत हुआ है इस कनेक्शन में, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते, वो आपके साथ गुड टर्म्स पे आना चाहते, जहाँ पे आप दोनों मिलते थे, बात करते थे, कभी भी वो फ़ोन उठा के आपको कॉल करना, नो कभी भी आप दिन रात मैसेजेस करना, दे मिस ऑल दैट। वो बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ वो सारी चीज़ें। ओके, लेकिन उनको रियलिटी भी पता है रिश्ते की, कि रिश्ता कितना स्पॉइल हो गया है, रिश्ता कितना ख़राब हो गया है, दे नो दैट। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है जहाँ पे ये पर्सन वो अपने आप को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से, सॉरी बोलने से, या पहल करने से। दे आर स्टॉपिंग देमसेल्व्स, बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। वो आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप आओगे, आप बात करोगे, आप कनेक्ट करोगे। वो आपके मैसेज या कॉल का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आपके तरफ से कोई कॉल आ जाए, आपके तरफ से कोई मैसेज आ जाए, आप कुछ बोल दो, इसका बहुत इंतज़ार हो रहा है बेसब्री से। उनको ऐसा लग रहा है आप खुश हो उनके बिना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप तो अपनी लाइफ में अपनी धुन में हो, अपनी मस्ती में हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रही है अवॉइड कर रहे हैं। ओके, अगर आपके रिश्ते पे कोई ब्लैक मैजिक था, कोई कर्स था, कोई नेगेटिविटी थी, कोई स्पेल था, वो टूट चुका है, तो अब आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। किसी ने भी जो कुछ भी कराया था आपके रिलेशनशिप पे, वो टूट गया है। ठीक है, हो सकता है आपने हीलिंग करवाई हो, मैं भी करती हूँ, आप मुझसे भी करा सकते हो। हो सकता है आपने रिचुअल्स कराए हो, क्रिस्टल्स पहने हो, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू हैव डन इज़ वर्किंग। ओके, चाहे आप सिर्फ प्रे ही क्यों ना कर रहे हो, वो प्रेयर्स भी काम कर रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को कुछ कर्मा फेस करना पड़ा। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा करने का सोचा कभी या किया है, तो उनको उनका उसका कर्मा फेस करना पड़ा है, और वो कर्मा बहुत ही बुरा था, जिस कर्मा की वजह से उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत इग्नोरेंट हो गए हो, अटेंशन नहीं ले दे रहे हो किसी भी चीज़ पे, उन पे स्पेशली अटेंशन नहीं है आपका, ध्यान नहीं है उन पे, ऐसा लग रहा है उनको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो गए हो आप। यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा आप सोच रहे हैं कि आप इनको छोड़ चुके हो, जैसे आप पीछे छोड़ चुके हो उनको और आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। दैट इज़ व्हाट दे फील राइट नाउ। ये भी फील हो रहा है इस पर्सन को जैसे आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, आप खुद को पता नहीं क्या ही समझने लगे हो, मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड या मिस्टर यूनिवर्स मिस्टर वर्ल्ड, पता नहीं क्या ही समझने लगे हो। लेकिन उनको पता है आप सच में वैसे हो, यू डिज़र्व इट, आप खुद को समझ नहीं रहे हो, आप सच में ऐसे हो जो जिसको खुद पे नाज होना चाहिए। ठीक है, बट उनसे वो खटक रहे ना, उनको आपका ग्रो करना, हैप्पी रहना, ये सब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनके बिना। वो चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को बोलो, आप जो फील करते हो वो एक्सेप्ट करो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, वो चीज़ उनको गुस्सा दिला रही है। ठीक है, आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप उनके साथ कोई न्यू बिगनिंग नहीं करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। दे नॉट टेकिंग इट इन अ गुड वे। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको चेज करो पहले की तरह, आप उनको मनाओ, उनके पीछे भागो,
सो बेसिकली एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ. अगर आपने ब्लॉक किया तो ये पर्सन चाहते हैं आप उनको अनब्लॉक करो. ठीक है, हो सकता है उन्होंने गुस्से में बोल दिया हो कि मुझे ब्लॉक कर दो और आपने उनको ब्लॉक कर दिया. आपने बोला ले भाई तूने बोला ब्लॉक कर दो, कर दिया मैंने, तो अब क्यों चिल्ला रहा है, अब क्यों परेशान हो रहा है. बट वो दे वॉन्ट यू टू अनब्लॉक देम बिना उनके कहे. ठीक है, मुझे नहीं लगता इस पर्सन का कहीं भी मन लग रहा है. इस पर्सन को काफ़ी हद तक एक जो होता है ना रियलिटी चेक हो गया है, उनको बहुत गर्व था खुद पे. मुझे लगता है इस पर्सन को आपके बारे में ऐसा लगता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, बट ये पर्सन खुद बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं कि आप तो कभी छोड़ ही नहीं सकते, आप तो कभी उनके बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन आपने वो करके दिखाया. मुझे नहीं लगता ये पर्सन यू नो वो जैसे एक जो आखिरी बिट होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, बट मुझे लगता है पर्सन बहुत जल्दी उनका सब्र का बांध टूट जाएगा और वो रीच आउट करने वाले हैं. दे विल नॉट बी एबल टू कंटेन देयर इमोशंस. ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा होप्स बहुत है, अभी भी होप्स बहुत है. आपसे नहीं है लेकिन इस रिश्ते से बहुत होप्स है इस पर्सन की. अपने इंट्यूशन को ये पर्सन बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, जो कि बहुत गलत कर रहे हैं ये. इन्होंने ना आपके आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है इस पर्सन ने, और उसका उसका भुगतान अब कर रहे हैं ये पर्सन. ठीक है, इनको लगता था कि ये शेर ही है, ये शेर है, बब्बर शेर है, लेकिन आपने दिखा दिया कि नहीं मैं सवा शेर हूँ. फिर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ. ठीक है, तो आपका आपके तरफ कोई अट्रैक्ट ना हो इसका ज़्यादा टेंशन आ रहा है इस पर्सन को, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी एक्स्यूड कर रहे हो, आप इतने खुश दिख रहे हो, आप इतने पॉजिटिव दिख रहे हो कि इस पर्सन को दर्द, मतलब सीने में जैसे दर्द हो रहा है कि भाई ये आगे तो नहीं बढ़ गई, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को. दे वॉन्ट दैट हैप्पी कनेक्शन अगेन विथ यू. जो एक हैप्पी को लक्की कनेक्शन था ना आपका, जहाँ पे आप दोनों कंफर्टेबल थे, शादी हो गई है लिटरली, ऐसा रहते थे एक दूसरे के साथ, दे वॉन्ट दैट बैक. वो कम्फर्ट चाहते हैं. ये पर्सन नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कहीं पे भी. ये ट्राई तो कर रहे हैं कि काम में ध्यान दे, कहीं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले, किसी और से बात कर ले, लेकिन वो नहीं हो रहा है इनसे. वो चाहते हैं कि कोई आप दोनों के बीच में सुलह करवाए, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आ रहा है सुलह आप दोनों को करना है. राइट, कोई और आके बाहर से क्यों करेगा आप दोनों के बीच में सुलह. उनको बहुत ज़्यादा होपलेस भी फील हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उनको बहुत होपफुल भी फील हो रहा है. जैसे होता है ना कि एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, कभी बहुत होपलेस हो रहा है, कभी बहुत होपफुल हो रहा है. कम्युनिकेशन करने को ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांगली. आप दोनों के बीच में हो सकता है 8 महीने हो गए हैं या 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, किसी किसी के लिए 1 हफ्ता हो गया है, बात नहीं हुई है, 8 दिन हो गए हैं. ठीक है, ये आपको चेज़ करने से रोक रहे हैं अपने आप को, ये आपको चेज़ नहीं करना चाहते. इनको लगता है अगर ये चेज़ करेंगे तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या, इनके ईगो हर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं. ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने भी इस पर्सन को कुछ देना बंद कर दिया इस कनेक्शन में, इनको चेज़ करना बंद कर दिया, इनसे माफ़ी मांगना बंद कर दिया. आपने भी अपनी पावर अपने बैक ले ली है और इस पर्सन ने भी अपनी पावर बैक ले ली. तो बेसिकली रिश्ते का हाल ऐसा है कि टंग ऐसे टंगा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा है रिश्ते को ठीक करने के लिए. ओके, दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दोनों ही इमोशनली एक दूसरे के करीब आ रहे हो, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है. इस पर्सन को बिल्कुल जैसे बोझ लग रहा है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाना इस पर्सन को बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है इस पर्सन को. दे नॉट हैप्पी विद द कनेक्शन, वॉट इज़ हैपनिंग इन द कनेक्शन. उनको ये क्लैरिटी जो नहीं आ रही है ना इस रिश्ते में, वो पसंद नहीं आ रही है. उनको चाहिए कि भाई क्लैरिटी होनी चाहिए, तुम क्या फील कर रहे हो मुझे बताओ, मैं क्या फील कर रहा हूँ मैं तुम्हें बताऊँगा. मुझे बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, मतलब जैसे इनका गुस्सा बढ़ रहा है. जितना आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जितना आप इनको मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है हर चीज़ का. दे नॉट टेकिंग इट इन अ गुड वे. ओके, ये बंधे हुए हैं आपसे, किसी चेन से जैसे बंधे हुए हैं. उनको ऐसा लगता है अब आप उनसे प्यार नहीं करते, अब आपको उनकी केयर नहीं है, खुद में ही लगे हो, खुद पैसा कमा रहे हो, ग्रो कर रहे हो लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई लेना देना ही नहीं है उनके इमोशन से, उनके प्यार से. आगे उनको अपना कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, और वही चीज़ उनको खटक भी रही है कहीं ना कहीं. उनको ऐसा लग रहा है आप रिश्ते पे काम ही नहीं करना चाहते, रिश्ते को बैलेंस नहीं करना चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आगे बढ़ते जा रहे हो. ओके, एंड दे नॉट टेकिंग इट इन अ गुड वे, दे नॉट लविंग इट. ठीक है, सो या, तो मैंने 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं, और कल के लिए भी आप जवाब छोड़िए कमेंट सेक्शन में. अगर आपका जवाब नहीं लिया है मैंने, देखो अभी 100 लोगों ने कमेंट किया है, मुझे 2 ही पिक करने हैं, तो डेफिनेटली
थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो आप कमेंट्स करते रहिए, जब आपका वक्त आएगा आपको सवाल का जवाब डेफिनेटली मिलेगा। और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को किसी एक पर्सन से शेयर करना है और प्रॉपर फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन है लकी और किसका सवाल मैं लेती हूँ। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग अगर पसंद। हाँ, और हाँ फिर से बता दूँ, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे सवाल नहीं भेजना है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है तो ही मुझे व्हाट्सएप करिए, अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं तो ही मुझे व्हाट्सएप करिए। स्पेल जार लेना है, स्पेल ऑयल लेना है अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, उसके लिए मुझे आपका यू नो व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं फ्री क्वेश्चन आंसर के लिए, उनको मैं जवाब नहीं दे सकती, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो गाइस, तो ये है ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई काम नहीं बन रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी हो चुकी है, लोग नज़र लगाते हैं, या आपको लगता है ब्लैक मैजिक स्पेल या कुछ मैजिक हो रहा है आप पे, तो ये आप ज़रूर पहनिएगा। स्टूडेंट हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ स्पेल जार के बारे में। तो ये है प्रोटेक्शन स्पेल जार। ये आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से, नज़र दोष, जो भी स्पेल वर्क कोई अगर आप पे कराता है या किसी ने कराया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बस अपने साथ रखना है। ये एक रिचुअल से बनाया हुआ एक स्पेशल स्पेल जार है, तो ये बस आपको साथ में रखना है। और इसका यूज़ तब तक ही हो सकता है अगर इसको आप ब्रेक ना करो तो। अगर ब्रेक हो गया तो आपको नया लेना पड़ेगा, तो जब तक ये है इंटैक्ट तब तक ही इसका असर रहेगा। अगर ये टूट गया इनकेस तो आप का इसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो ये प्रोटेक्शन स्पेल जा रहा है जो मैंने नया लाया है, तो अगर आपको ये लेना है तो स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप करके इसको अपने लिए बनवा सकते हो। ये मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ, ये आपके ऑर्डर पे बनेगा, ये किसी क्लाइंट का स्पेल जा रहा है, ठीक है। तो आपको भी अगर ये स्पेल जार लेना है प्रोटेक्शन वाला, तो मुझे जल्दी से मैसेज करो, व्हाट्सएप करो और अपने अपने लिए बनवा लो, ऑर्डर कर लो। और ये आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से बचाता भी है, और अगर कोई नेगेटिविटी ऑलरेडी है उसको भी रिलीज़ करता है। सो बुक नाउ। सो ये है प्रोटेक्शन ऑयल। तो इसका यूज़ इस तरह से आपको करना है कि आपको रोज़ अपने रिस्ट पे या कहीं पे भी बॉडी पार्ट पे आप इसको लगा सकते हो, रोज़ लगाना है आपको। ये ऑयल आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी नज़र दोष से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आप सब सही कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एंड टाइम पे गलत हो जाता है, तो वो नज़र की वजह से ही होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको या आपके घर में किसी को भी ब्लैक मैजिक किसी ने कराया है या कोई भी तंत्र या कुछ भी कराया है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ एकदम से लगाने से चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव। और तो आप अगर ये प्रोटेक्शन ऑयल लेना चाहते हो अपने लिए, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये आपके हर एरिया ऑफ लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगा और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है। सो बस आपको इसको दिन में लगाना है एक बार, आप मल्टीपल टाइम्स भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पे जा रहे हो आप किसी इंपॉर्टेंट इवेंट